रुडोल्फ वॉन हायरिंग, जो हैं वो एक बहुत ही बड़े सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सोशियोलॉजिकल स्कूल में अपने थॉट्स दिए। उन्होंने डिवाइड किया इंटरेस्ट को इंडिविजुअल इंटरेस्ट और स्टेट इंटरेस्ट के हिसाब से। वो ये कहते हैं इंटरेस्ट दो तरीके का होता है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट और स्टेट इंटरेस्ट। ही सेड इंटरेस्ट आर बैलेंस्ड विद रिवॉर्ड एंड कोएर्शन, रिवॉर्ड फॉर गुड डीड एंड कोएर्शन फॉर बैड। उनके हिसाब से अच्छे कर्मों के लिए आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए और बुरे कामों के लिए आपको कोएर्शन मिलना चाहिए, पनिशमेंट्स मिलनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू रुडोल्फ वॉन हायरिंग उन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। हायरिंग एक ट्रेडिशनल मेंबर थे स्कूल के और वो ये कहते थे कि ही रिजेक्टेड द व्यू ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल एंड उन्होंने इसको कंबाइन किया सोशल स्कूल से। अकॉर्डिंग टू हिम द इंडिविजुअल एक्ट्स इन ऑर्डर टू अटेन समथिंग, इंडिविजुअल काम करता है कुछ पाने के लिए। इन एवरी सोसाइटी देयर वर इंडिविजुअल इंटरेस्ट एज वेल एज ग्रुप इंटरेस्ट एंड देयर वॉज ऑल्सो इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, और उसमें सोसाइटी का इंटरेस्ट भी होता है। अगर आप इंडिविजुअल का भला करते हैं तो वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सोसाइटी का ही भला होता है। लॉ सबके बीच बैलेंस बना के रखता है और लॉ गारंटी देता है कि राइट्स को प्रोटेक्ट करे, और इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्ट करेगा तो इनडायरेक्टली सोसाइटी के राइट्स प्रोटेक्ट होंगे ही होंगे। सोसाइटी सोशल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो है कहते हैं लॉ इज़ नॉट यूनिक वे टू कंट्रोल सोशल ऑर्गेनिज्म। लॉ जो है वो यूनिक चीज़ नहीं है सोशल ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए। इट कैन नॉट प्रोटेक्ट एंड सेटिस्फाई द सोशल पर्पजेज अलोन, ये अकेले प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, सेटिस्फाई नहीं कर सकता सोसाइटी के पर्पज़ को। लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फादर ऑफ मॉडर्न सोशोलॉजिकल जुरिस्ट थे ये एंड सोशोलॉजिस्ट, इन्होंने काफ़ी सारे सोशोलॉजिकल कॉमेंट्स को कंबाइन किया। बट इनकी थ्योरी को ना काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिले। क्या, किस बेसिस पे? ही फेल्ड टू प्रोवाइड ए स्केल ऑफ वैल्यूज फॉर अचीविंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द आइडियाज़ ऑफ इंटरेस्ट एंड पर्पस। इंटरेस्ट और पर्पस के आइडियाज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा था उसका स्केल ऑफ वैल्यू देना भूल गए थे ये। ही गेव वेरी लिटिल इनसाइट इनटू हाउ दिस बैलेंस कुड बी अचीव। वो बैलेंस बोल तो गए कि हमें इंडिविजुअल और सोशल इंटरेस्ट के बीच में बैलेंस बनाना, मगर बैलेंसिंग का कोई पैरामीटर देके नहीं गए। ही पॉइंट्स आउट ओनली द प्रॉब्लम्स बट उसका सोल्यूशन नहीं दिया इन्होंने। तो इस वजह से इन चीज़ों के बेसिस पे जो रुडोल्फ वॉन हायरिंग है इनको काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही बेसलेस सी थ्योरी दी। इन्होंने प्रॉब्लम्स तो बता दी सोसाइटी की बट उसका सोल्यूशन नहीं बताया। तो उसका सोल्यूशन अगर ये नहीं बताएंगे तो ऑब्वियसली ही विल बियर क्रिटिसिज्म। दिस इज ऑल अबाउट हायरिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पेपर में इसको बना के लिखना। जब भी आपको हायरिंग का कॉन्सेप्ट पूछा जाए तो सबसे पहले आप सोशियोलॉजिकल स्कूल को एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद आप रुडोल्फ वॉन हायरिंग के बारे में बताएंगे, उनके की कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बताएंगे और फाइनली आप उसके क्रिटिसिजम्स बताएंगे। इनका एक ही मेन जिस्ट है कि इन्होंने सोसाइटी और इंडिविजुअल इंटरेस्ट को बोला कि अगर इंडिविजुअल का इंटरेस्ट होता है तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सोसाइटी का भी इंटरेस्ट उसमें जुड़ा हुआ होता है। थैंक यू सो मच।